तो गाइज हम करने वाले हैं आज ग्लो इफेक्ट ऐड करके। जैसे आप लोग ट्रेंडिंग में देखते हो कुछ इस तरीके का ग्लो इफेक्ट शॉर्ट्स चलते रहता है इंस्टाग्राम पर ट्रेंडिंग में। आप लोगों को बताएंगे येलो टोन में ग्लो इफेक्ट हम लोग कैसे लगाएंगे, आप लोग पूरे वीडियो को एंड तक देखते रहेगा। तो सबसे पहले जानेंगे शूटिंग प्रोसेस। शूटिंग प्रोसेस में आप लोग क्या करना होगा, अगर धूप रहे तो और अच्छा ही है, धूप के अपोजिट साइड में मतलब धूप के साइड में रखिए अपने पर्सन को एंड अपने हिसाब से शूट कीजिए। यहाँ पे अपने लॉक करके इस तरीके से आप लोग को स्लाइड करना है, आप लोग को मूव करके इस तरीके से शूटिंग कर लेना है। तो शूट करने के बाद हम लोग को चले आना होगा सिंपली कैपकट मोबाइल एप्लीकेशन, क्योंकि हम वही एडिट करेंगे अपने वीडियो को एंड ग्लो इफेक्ट वहीं पे लगाएंगे। तो ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, पहले हम लोग को वीडियो को क्लिप करना पड़ेगा, मतलब कट करना पड़ेगा। जहाँ से मेरा वीडियो कट करना है वहाँ पे स्प्लिट करके डिलीट कर देंगे एंड स्प्लिट करके डिलीट करने के बाद यहाँ से हमारा फुटेज तैयार हो जाएगा। इसमें करेंगे स्मूथ स्लो मोशन, तो स्पीड में जाएंगे, नॉर्मलाइज को करेंगे यहाँ पे 60 मतलब 0.7 करके बेटर क्वालिटी करके डन कर लेंगे एंड स्मूथ स्लो मोशन। थोड़ा देर लोडिंग लेने के बाद, थोड़ा देर ही लोडिंग लेगा एंड लोडिंग लेने के बाद ये हो जाएगा। इसके बाद वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट वीडियो इफेक्ट पे, ठीक है। यहाँ पे लाइट इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, सबसे फर्स्ट में आप लोग को मिलेगा ड्रीमी ग्लो, यहाँ से आप लोग ग्लो इफेक्ट ऐड कर लो। यहाँ से आप लोग को एडजस्ट पे क्लिक करके ग्लो को आप लोग बढ़ा घटा सकते हो एंड क्या करेंगे रंग जो होगा रंग इस तरीके से आप लोग रेंज को बढ़ा लीजिएगा, रेंज को आप लोग बढ़ा लीजिएगा एंड यहाँ से साइज भी आप लोग बढ़ा घटा सकते हो अपने हिसाब से भैया। तो मैं यहाँ रख रहा हूँ इसको लगभग यहाँ से 35 एंड कलर को भी सेलेक्ट कर सकते हो, आप लोग बहुत सारा कलर दे रहा है लेकिन मैं ज़्यादा हल्का सा येलो टोन में रखूँगा, जैसे मतलब हल्का सा ऑरेंज में एंड इसको फिल्टर को डन रख लेना पड़ेगा पूरा 100 एंड इस तरीके से आप लोग को पूरा में साइज करके ये हो जाएगा हमारा ग्लो इफेक्ट एंड ये हो चुका है पूरा डन। देख सकते हो इस तरीके से आप लोग को बढ़ा के पूरे में बढ़ा लेना है एंड एरो वाले पे क्लिक करना है। यहाँ से आप लोग अपने एक्सपोर्टिंग का साइज़ देख सकते हो, एरो वाले पे क्लिक करेंगे नीचे 1080p पे क्लिक करके हाई कर लेंगे एंड इसको सेव टू ड्राइव डिवाइस कर लेना है, ड्राइव नहीं सेव टू डिवाइस। इस तरीके से आप लोग का ग्लो इफेक्ट तैयार हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग ग्लो इफेक्ट ऐड कर सकते हो अपने वीडियो में, ठीक है। लेकिन इसमें आप लोग को कलर ग्रेडिंग नहीं दिखाया हूँ, सिर्फ ग्लो इफेक्ट लगाना आप लोग को बताया हूँ कैसे आप लोग ग्लो इफेक्ट लगा पाओगे। मैं जानता हूँ ये छोटा वीडियो है लेकिन इसमें कलर ग्रेडिंग मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि कलर ग्रेडिंग का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। तो आप लोग के सामने वीडियो आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप लोग उस वीडियो को देखिए और वहाँ से कलर ग्रेडिंग सीख लीजिए। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।